हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज में पीछे के गले पे डिजाइन बनाने का तरीका बताऊंगी। ये डिजाइन बहुत ही सिंपल और सुंदर है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और ये बनाने में भी बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने जो ये ब्लाउज का पीछे का भाग है इसको कट कर लिया है और तैयारी भी कर लिया है। इसके साथ अस्तर मैंने ज्वाइंट कर लिया है पहले से। और इसका जो ये नीचे का बॉर्डर है ये बहुत ही सुंदर है। और इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो मैंने रखी है 14 इंच, मेरे को तैयारी रखनी है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखी है यानी 15 इंच। और जो इसका तीरा है वो मैंने रखा है 7 इंच। इस डिज़ाइन में जो तीरा हमें कस्टमर का होता है वही लेना होता है, कम नहीं लेना होता। और आर्म होल है वो मैंने रखा है 6 इंच। और जिस इसकी चेस्ट जो तैयारी रखनी है वो 37 इंच है, उसका चौथा हिस्सा मैंने 9.25 इंच रख लिया है। मार्जिन मैंने 1.5 इंच रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं कम या ज़्यादा। अब हमें गले की कटिंग करनी है। यहाँ से गले की जो लंबाई है वो लेंगे हम 11 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा ले सकते हैं। मैं इसका गला डीप बनाऊंगी। और 11 इंच लेने के बाद हम एक निशान इसके बीचों बीच लगाएंगे 5.5 इंच पे। ये देखिए इस प्रकार से। ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान है और आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा फैशन है। अब हमें नीचे की साइड से इस प्रकार से गोलाई देते हुए घुमा देना है। और जो ये हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पे, इसको मिलाना है। और दूसरा यहाँ हमें इस प्रकार से थोड़ा सा बिल्कुल किनारे पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे ये दूसरा जो हिस्सा है इसको हम इस प्रकार से ही गोलाई में सेक देते हुए और यहाँ पे मिला देंगे। और एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे 3.5 इंच पे, जो गले का कट है, क्योंकि आगे का गला मैंने गोल रखा है उसी हिसाब से। अब इसको हम पहले कट कर लेंगे। ये देखिए हमने गला कट कर लिया है। और जो ऊपर की साइड से मैंने गले का निशान लगाया था वहाँ पे भी मैंने छोटा सा कट लगा दिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे इस प्रकार से। सीधा करने के बाद हम इसमें यहाँ से पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये पट्टी इस प्रकार से आएगी और इसका जो आगे का गोल गला है वो इसके साथ जॉइंट हो जाएगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। इसके लिए हमें पहले पाइपिंग निकालनी होगी। पाइपिंग हमेशा की तरह मैं धागे वाली ही निकालूंगी। और पाइपिंग निकालने के बाद मैं आपको आगे का डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसको ब्लाउज को उल्टी साइड से रखते हुए इस प्रकार से पाइपिंग को फोल्ड करते हुए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा करेंगे इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से। और अब हमें ये देखिए बटन लेने हैं, जो रेडीमेड बटन है आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं ऐसे कुछ बटन। और यहाँ पे सुई धागे की मदद से इस प्रकार से हम बटन लगाएंगे। एक बटन नीचे की साइड लगाऊंगी मैं यहाँ पे, और इसमें 3 बटन लगा लेंगे। ये देखिए हमने बटन लगा लिए हैं और ये पीछे का गला बनके तैयार हो चुका है। आगे का गला हमने इसका गोलाई में छोटा गला दिया है, यानी वोट नेक टाइप से मैंने छोटा गला रखा है। और आगे के हिस्से में मैंने इसमें कप्स डाले हैं। इसमें साइड चेन लगाऊंगी मैं, ये बिल्कुल बंद ब्लाउज होगा। और अब हम इसका इस प्रकार से तीरा जॉइंट कर लेंगे यहाँ पे दोनों साइड से मिलाते हुए। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।